Correct. The variation of acceleration due to the gravity, g, with distance d from the center of Earth best represented by, इसमें से कौन सा ग्राफ फोल्ड करेगा सेंटर से d डिस्टेंस पे. तो चलिए हम इक्वेशन लिखते हैं. जैसे हमने यहाँ पे अर्थ बना लिया रेडियस r का और सेंटर से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट है. तो अगर मैं कहूँ कि d की वैल्यू कैपिटल R से मान लीजिए कम है तो g का फॉर्मूला क्या होगा, g कैपिटल M r क्यूब इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता ही है. तो x जगह पे क्या रखना है, d रखना है, तो हमने d रख दिया. अब ये g के साथ क्या है, लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है. अगर g के साथ लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है तो इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर d की, अब अगला केस, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन r है, मतलब इस d की वैल्यू अगर r से भी क्या है, d की वैल्यू अगर r से क्या है ज़्यादा है, इस पॉइंट पर हम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये बाहर वाला पॉइंट है, तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जी कैपिटल एम अपान डी स्क्वायर, मतलब जी कैपिटल एम अपान एक्स स्क्वायर. तो ये वन अपान एक्स स्क्वायर ग्राफ है, तो ये वन अपान एक्स स्क्वायर ग्राफ है जो कि एक्स बढ़ने पे घट रहा है. तो मैं कह सकता हूँ कि पहला ये वाला केस में स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए और इस वाला केस में कि ग्राफ कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, घटते रहना चाहिए, जो कि आपको इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है. तो ये ऑप्शन कहाँ पे, फोर्थ पार्ट में, इसलिए आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा. थैंक यू.